जिम्मेदारी तय हो गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होगा, गृह और सामान्य प्रशासन सीएम खुद रखेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा जगदीश देवड़ा पहले की तरह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला खनिज विभाग उन्हें मिला है। राजेंद्र शुक्ल के पास और भी जिम्मेदारियां हैं, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मंत्रालय पोर्टफोलियो किसके पास रहेंगे, होम सामान्य प्रशासन, गृह सामान्य प्रशासन किसके पास रहेगा, अब ये साफ हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालेंगे, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम, उनके पास खनिज भी रहेगा। जगदीश देवड़ा पहले की तरह जब वो पहले मंत्री रहे तब भी उनके पास वित्त विभाग हुआ करता था और अभी भी वित्त विभाग उन्हीं के पास होगा। मतलब ये तय है कि अब जब हम बजट भाषण सुन रहे होंगे मध्य प्रदेश का, वो जगदीश देवड़ा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मंत्रालय का ऐलान कर दिया गया, जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और होम सामान्य प्रशासन यानी गृह और सामान्य प्रशासन सीएम के पास रहेंगे, वित्त विभाग बेहद महत्वपूर्ण विभाग जगदीश देवड़ा के पास, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के पास खनिज विभाग बहुत चुनौतीपूर्ण, आईएएस आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, ये सारी जिम्मेदारियां रहेंगी सीएम के पास, सीएम डॉक्टर मोहन यादव। न्यूज 18 पर सबसे पहले विभागों के बंटवारे की खबर हम आपको बता रहे हैं और जो हमने आपको पहले बताया था लगभग ये वही है। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग, पहले भी वो इसकी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। होम सामान्य प्रशासन, गृह सामान्य प्रशासन सीएम के पास रहेंगे, वित्त जगदीश देवड़ा पहले की तरह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, खनिज विभाग उनके पास है। और सुधीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी 28 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं, सुधीर आपको नजर आ रहे होंगे। तो आखिरकार विभागों का बंटवारा और हमने जो लगभग एक लिस्ट चलाई थी, लगभग वही लिस्ट फाइनल हुई। जी सुधीर, देखिए बिल्कुल थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। राज्यपाल के दौरे से लौटने की जो इंतजार है वो किया जा रहा था और पहले ही हमने ये भी बात बता दी थी कि जब राज्यपाल लौटेंगे तो उनके दस्तखत होने बाकी है और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जो मंत्रियों के विभागों के बंटवारों की लिस्ट है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी और उसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखेंगे, इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है वो वित्त विभाग रखेंगे, इसके अलावा एक और दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी को खनिज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। देखने वाली बात यह है कि होम डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जो बड़े विभाग होते हैं आमतौर पर सामान्य प्रशासन विभाग सीएम के पास होता है, इसके अलावा जनसंपर्क विभाग जो है ललित वो भी सीएम अपने पास रखते हैं और इस बार होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। यानी कि आप साफ साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास रहेगी, उन्होंने ये विभाग अपने पास रखे हैं। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जगदीश देवड़ा जो पूर्व सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार में वित्त मंत्री का उनके पास जिम्मेदारी थी वो बरकरार उनके पास रखी गई है, हालांकि उनका पद बढ़कर डिप्टी सीएम का हो गया। इसी तरह राजेंद्र शुक्ला जो जनसंपर्क मंत्री थे उनको जो है इस बार डिप्टी सीएम बनाया गया और खनिज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे जो 28 कैबिनेट मंत्री है उनके विभागों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और उनको विभागों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि आज